नाइट के सितारे। दोस्तों नमस्कार। पिछले सप्ताह सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में एक बड़ी ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री ने अपने मन की बहुत सारी बातें बताई थीं और इस कार्यक्रम को रोशन कर दिया था, चमका दिया था। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जी हाँ, पिछले सप्ताह हमारे साथ थी अभिनेत्री रवीना टंडन। बातों का सिलसिला अधूरा छूट गया था, इसलिए इस हफ्ते एक बार फिर से आपसे मुखातिब हैं रवीना जी। तो आइए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। रवीना जी, अमिताभ साहब के साथ जहां तक मुझे याद आता है दो फिल्में हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? खासतौर पर अक्स की बात करना चाहूंगा। अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक एनी अदर एक्टर। बल्कि जो अक्स में था, और भी मैंने जहन में ये नहीं किया कि आई वाज वर्किंग विद बच्चन साहब। काफ़ी हमारे ऐसे डायलॉग्स थे जहाँ 1-to-1 थे, और अगर मैं थोड़ा भी उनको एक और एक्टर के जरिए नहीं देखती और उनको उनकी जो पूरी ऑरा है वो जरिए देखती, तो शायद मैं अपने मुंह ही नहीं खोल पाती अपने डायलॉग्स बोलने के लिए, इतनी नर्वस हो जाती। तो इसलिए बल्कि थ्रू आउट द फिल्म वो सोच रहे होंगे कि इतनी रूड लड़की है, ये मेरे से बातें ही नहीं करती है। मैं बस हेलो नमस्ते करके अपना कोने में बैठ जाती थी किताब लेके और अपने सीन में कॉन्सेंट्रेट करती थी। फिर जब पूरी शूटिंग खत्म हो गई तब आई गॉट बैक टू नॉर्मल इन टू यू नो, बिकॉज पापा के साथ भी वो काफ़ी पिक्चरें कर चुके हैं, मजबूर, खुददार, तो उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। बल्कि जब हम लोग गाना कर रहे थे साथ में अक्स के टाइम पे, तो सबको यही बोला करते थे कि इसको मैंने अपने घुटनों के नीचे के साइज तक का देखा है, और अभी इतनी बड़ी लंबी ऐसे ग्लैमरस कपड़े पहन के मैं तो झेप जाता हूँ, लिटरली ये सबको बोल रहे थे सेट पे। तो पर मैंने अक्स के टाइम पे मैंने उनसे डिस्टेंस रखा, मतलब वो जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो नहीं लाई, क्योंकि मुझे मालूम था जो मुझे उनके साथ डायलॉग्स बोलने थे काफ़ी कड़क डायलॉग्स थे, और वो मैं अगर अपना वो उनको अंकल के जरिए देखती मैं तो डायलॉग्स कभी नहीं बोल पाती, तो मैंने एक्चुअली एक डिस्टेंस रखा था उनसे। अक्स में रवीना जी ने एक अलग ही किस्म की भूमिका की थी और इसमें उन्हें बड़ी सराहना मिली थी। तो चलिए सुने इसी फिल्म का ये नगमा।
रवीना जी, फिल्म सत्ता में आपका एक अलग तरह का रोल था और बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। उस रोल के बारे में बताइए, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? और मधुर भंडारकर बहुत आउटस्पोकन किस्म की फिल्में बनाते हैं। देखिए, डेफिनेटली वो जो जैसे चांदनी बार उन्होंने फिल्म बनाई थी वो तो सबको बहुत ही पसंद आई, लेकिन हाँ, मैं अभी भी कहती हूँ अगर मुझे वो रोल ऑफर किया जाता तो शायद मैं वो फिल्म कभी नहीं करती। एक कुछ आइडिया ही कुछ सूट नहीं करता है, यू नो, वो टाइप का रोल करने का। पर हाँ, डेफिनेटली जब उन्होंने मुझे सत्ता ऑफर की तो एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर का रोल था। और एक आज की लड़की जो है, जो सडनली पॉलिटिक्स में घुस जाती है और जैसे उसको पता चलता है कि क्या क्या गेम्स अंदर चलते हैं, जो आज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वाकई में। एक पोस्ट है मेरी जो उसके ऊपर की पॉलिटिक्स सब आज समझ में आती है कि हाँ, वाकई रियलिटी में भी ऐसे होता है जो मैंने फिल्म में किया। तो उस समय बहुत ही मज़ा आया वो रोल करके, अतुल के साथ काम करके, मधुर के साथ काम करके। और मैं समझती हूँ ऐसी पिक्चरें और बननी चाहिए, और एक एक जो आजकल रियलिटी है ज़्यादा दिखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो अभय में कमल हासन के साथ आपने काम किया था, वो आपकी फिल्मोग्राफी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, आप उसे किस तरह से देखती हैं? वो मेरा बेस्ट, एक जो इनरिचिंग जिसे कहते हैं, जिसे मैं एडुकेट हुई वो फिल्म करते हुए। नॉट एज अ कि मेरा रोल कुछ ऐसा कुछ मेजर चैलेंजिंग नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सा रोल था, एक रिपोर्टर का रोल था, तो ऐसा कुछ चैलेंजिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल नहीं था। लेकिन हाँ, एक ऑनर था श्री कमल हसन जी के साथ काम करते हुए। मेरे हिसाब से वो हमारे कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड बिगेस्ट एक्टर्स जिसे कहते हैं। एक मैं नसीर साहब को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और एक कमल हसन जी को, सेकेंडली ये मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं, तो उनके साथ काम करना तो मैं चांस छोड़ने वाली थी नहीं, चाहे कुछ भी रोल होता। वो इंसान एक जीनियस ही है, जिसे कहें आप उनके साथ बात करेंगे तो किसी भी टॉपिक पे बात करें वो आपको ऐसे एडुकेट करते हैं कि आपको लगता है माई गॉड, यू नो, ये तो हमें कभी लाइफ में पता ही नहीं था ऐसे। एंड उनसे बहुत सीखा मैंने। So I think that was my best experience to work with any actor, you know. मैंने सुना है कि आप ऑस्कर पुरस्कार जीतना चाहती हैं, कहीं मैंने पढ़ा है कि आप ऑस्कर जीतने की तमन्ना रखती हैं। आपने बहुत गलत सुना है। जो पढ़ते हैं वो तो बल्कि आप लोग को यकीन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी काफी अपने बारे में चीजें पढ़ते हैं जो हमको लगता है अच्छा रियली हमने ये ऐसे किया था क्या, हमको तो पता नहीं था, ये अखबार वाले हमको बता रहे। तो वो तो बहुत ही गलत सुना है। मैं तो सोचती हूँ कि इससे अच्छा कि कहते हैं ना, जो अपनी प्रजा में राजा वो अगले में भिखारी वाली बात है। मैं तो अपने ही फिल्मों में खुश हूँ, अपनी ये काम करते हुए खुश हूँ। मुझे ना कुछ ऐसा हॉलीवुड का भूत है ना मुझे हॉलीवुड का कुछ शौक है। हाँ, एक इंटरनेशनल अवार्ड है, किसी को भी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। सॉरी। स्टम्प्ड जब आपने बनाई थी, अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, हाँ जी, तो क्रिकेट को ही सब्जेक्ट क्यों लिया था? नहीं, उसके पहले हम लोग एक फिल्म बना चुके थे, पहचान। हाँ हाँ। एक फिल्म ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन बना चुके थे। स्टम्प्ड का स्क्रिप्ट हमको इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब स्क्रिप्ट सुना मैंने तो, एक्चुअली मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, मैं जब कारगिल में वॉर हुआ था तो खुशकिस्मती नहीं कहूंगी मैं ये, लेकिन एक मुझे बिल्कुल एक ऑनरेबल मौका मिला था कारगिल जाने का, हमारे सोल्जर्स को, हमारे फौजी भाइयों को मिलने का। और वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए। एक जिसे कहते हैं आंखें खुल जाती हैं कि वॉर ऐसी ऐसी यूज़लेस चीज़ है, मतलब किसके लिए लड़ रहे हैं, एक जिंदगी पर क्या क्या असर डालती है और क्या यूज़लेस चीज़ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सरहद के उस पार भी किसी की माँ है, किसी मतलब किसी का कोई बेटा है, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है, वो ही किसी का बाप है वो। और इस तरफ भी देखेंगे सरहद के, जो हम अपना देश जैसे कहते हैं, वो भी जो लड़ रहा है वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का खून है जी। तो क्यों ये दोनों बेटे एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, काहे के लिए, एक टुकड़े जमीन के लिए? और किसने बनाया ये सरहद बनाई क्यों गई जी। तो ये सोचने में मिलता है कि काहे के लिए खून बहा रहे हैं ये, अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप बातचीत करके करो, ये वॉर की जरूरत ही क्या है, क्यों एक दूसरे का खून बहा रहा है इंसान, वो दुख होता है। और उसके बाद आके मैंने सोचा जरूर मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करूंगी। जब मैं बॉम्बे वापस आई कारगिल से, तो जो कारगिल का जहाँ मैंने लाशें देखी, मैं जब हॉस्पिटल में गई श्रीनगर में, जो कैंप आर्मी कैंप का हॉस्पिटल था,
उसमें किसी का पैर नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पूरे फेस पे ऐसे स्टिचेस लगे हुए हैं, और उनमें इतना जोश था, इतना साहस था। वो देख के जब मैं वापस आई बॉम्बे, तो बॉम्बे में तो किसी को खबर ही नहीं थी कारगिल में क्या हो रहा है जी। सब लोग को यही खबर जो चर्चा चल रही थी यहाँ पे कि किस क्रिकेटर ने कौन सा छक्का मारा और किस क्रिकेटर ने कौन सा चौका मारा और हम लोग मैच जीते कि हार गए। बात वॉर की तो थी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे जानते ही नहीं थे लोग कि वहाँ लोग मर रहे हैं, या अगर जानते भी थे तो दे प्रेफर टू बी इग्नोरेंट, विच रियली सैडेंड मी। तो मैंने जरूर सोचा था एक बार कुछ ना कुछ मैं ऐसे करूंगी। जब ये स्क्रिप्ट आया मेरे पास तो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि स्टम्प्ड अगर आप देखेंगे तो ये इसी के बारे में डील करता है कि वॉर चल रही है लेकिन बॉम्बे में सिर्फ क्रिकेट की चर्चा चल रही है। लोगों के घरों में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी का घर का बेटा आपकी रक्षा के लिए अपने सीने पे गोली खा रहा है। वो किसी को जहन में नहीं था, ये था कि अरे कौन सी मैच जीती, कौन सा सेंचुरी हुआ, किसने कौन आउट हो गया, क्यों हो गया, चर्चा यही बात की थी जी। तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों वो फिल्म बनी गई। इसके बाद आप मैंने अपने प्रोडक्शन से किस तरह का काम आगे बढ़ाया? कुछ नहीं, वो प्रोडक्शन मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जो मेरे जो दो पार्टनर्स थे कुछ ज़्यादा ही बड़े चीटर टाइप निकले, तो वो प्रोडक्शन कंपनी तो मैंने बंद की, लॉस में बंद की। मैंने काफ़ी पैसा कमाया उसमें जी। लेकिन ठीक है, वाइजर पर्सन, मतलब इट वाज एक अनुभव था, एजुकेशन फीस जिसे कहते हैं ना, वो भर के मैंने जय हिंद कर लिया उधर से। अब करूंगी तो शायद अपने भाई के साथ करूंगी कभी प्रोडक्शन, या शायद अपने आप ही करूंगी। लेकिन एक मेरी दोस्त थी, 17 साल की दोस्ती थी, लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी जब लोग कहते हैं ना पैसा और जो इश्क होता है वो अलग ही चीज़ लोगों का दिमाग फिर देता है, वो मैंने होते हुए देखा है लोगों को। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि पैसा गया, वो तो आता है जाता है सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। दुख ये बात का हुआ कि उसने, मैंने भी एक दोस्ती खोई और उसने एक बहुत अच्छा दोस्त खोया। मुझे दुख उस बात का है बेचारी के लिए जी। रवीना जी, इसी बात पर कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को? दिलवाले का गीत, दिलवाले के गाने मुझे बहुत पसंद थे, उसमें से कोई भी आपको गाना, एक गाना बहुत अच्छा था, एक ऐसी लड़की थी जी, बहुत पॉपुलर भी हुआ था।
ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दोस्त तुम भी गाओ ना, तुम्हारी आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है, गाओ ना। बड़े पर्दे के बाद आप अचानक छोटे पर्दे पर नजर आईं और एक एक लिटरेरी चीज थी जिसे पोर्ट्रेट किया आपने, ऑलरेडी वो फिल्म पर उतारा जा चुका था, तो एक एक स्टैंडर्ड एक मिसाल थी लोगों के पास, किस तरह का
चैलेंज आपको लग रहा था कि कोई चीज दोबारा बन रही है और वो छोटे पर्दे के लिए बन रही है, तो किस तरह से उसको पोर्ट्रेट किया? आप साहिबी भी गुलाम की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जो सीरियल मैंने किया सहारा के लिए। एक्चुअली मुझे काफी टाइम से, जब से आई थिंक करिश्मा ने साइन किया, काफी टाइम से मुझे बहुत स्पेशली आई थिंक आफ्टर कौन बनेगा करोड़पति, और एक बीच में एक और गेम शो आया था अनुपम जी और मनीषा जी, वो भी मुझे ऑफर हुआ था वो गेम शो, छप्पर फाड़ के आया। तो मोस्टली फिल्म स्टार्स की इंक्लिनेशन टीवी की तरफ होने लगी, और उस समय मुझे बहुत शोज ऑफर हुए, चैट शोज ऑफर हुए, ये जैसे फन शोज, जैसे क्या मस्ती क्या धूम टाइप के बहुत शोज ऑफर हुए, लेकिन मैं सब मना करती गई क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं जो एक जिसमें किसी जोरदार बात हो या दमदार बात हो। डेली भी सोप्स बहुत ऑफर हुए, जैसे करिश्मा वगैरह हुए डेली जो रोज के आते हैं, पर समहाउ मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि एक तो मेरे ख्याल से जो डेली सोप है ये तो चलते जाता है, ये तो सालों चलता है, वो मेरे बस की बात थी नहीं। मैं एक पिक्चर एक साल से ज्यादा लग जाती है तो मैं उसमें बोर हो जाती हूँ, उसमें पेशेंस लूज कर जाती हूँ, तो एक टीवी सीरियल क्या करती जो सालों चलता, यू नो मैं ही वो कैरेक्टर से बोर हो जाती। तो जब साहिबी भी गुलाम मुझे ऑफर हुआ, उनकी कंडीशन ये थी कि छह महीने में खत्म हो जाएगा, मुझे 7-7 दिन बस देने पड़ेंगे मेरे बिजी स्केड्यूल में से शूटिंग के, 9 to 9 में 7 दिन पर मंथ कैलकटा में शूटिंग करेंगे, और स्क्रिप्ट थी साहिबी भी गुलाम। तो ये सब प्लस पॉइंट्स थे मेरे लिए, एक तो जल्दी खत्म हो जाएगी जी, लंबी चलेगी नहीं, सिर्फ 7 दिन 1 महीने में, डेफिनेटली मॉनेटरी वैल्यू भी बहुत अच्छा था, एक पूरी पिक्चर करने के अलावा ये 7-7 दिन में खत्म करके इट वाज अ बेटर डील, एंड देन डेफिनेटली द स्क्रिप्ट साहिबी भी गुलाम। पर तभी भी मुझे डाउट था, तो मैंने प्रोड्यूसर से बोला मुझे आप स्टोरी बोर्ड बना के दिखाइए कि आप क्या सेट्स बनाएंगी, क्योंकि ऐसे नहीं लगना चाहिए कोई बी ग्रेड कॉस्ट्यूम ड्रामा चल रहा है, वो भी नहीं चाहिए था कि खराब सेट्स बने हुए हैं और यू नो चीप जैसे कभी कभी आपको देखने में मिलते हैं, मुझे वो भी नहीं चाहिए था। तो मैंने उनको प्लीज बोला था आप मुझे सेट्स के स्केच बना के दिखाइए, आप कैसे बनाएंगी ये मुझे आप पूरा पहले आके बताइए। वो प्रोड्यूसर थी पल्लवी जी, उन्होंने वो आई, उन्होंने सब मुझे दिखाया, मैं जब पूरी तरह इम्प्रेस हुई डायरेक्टर से, सेट से, स्टोरी से, तब मैंने हाँ कहा, और वही उन्होंने अपने प्रॉमिस रखा, और 6 मंथ में वो पूरा, क्योंकि उसको तो एक्सटेंड कर ही नहीं सकते, इट्स अ बुक जो स्टार्ट टू फिनिश है, वो स्टोरी तो ऐसे नहीं है कि बस आपका मन चाहा आप जैसे भी मोड़ तोड़ दो वो होते जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक स्टार्ट टू फिनिश थी, वो मुझे पसंद आई और इसलिए मैंने की जी। रवीना जी, शादी के लिए आपने बॉम्बे से इतनी दूर की राजस्थान की सरजमी को चुना था, इसके पीछे क्या सपना था, क्या कारण था? राजस्थान मेरी फेवरेट जगह है हिंदुस्तान में, उससे कोई रोमांटिक जगह है ही नहीं मेरे हिसाब से इस पूरे कंट्री में। एक है हम्पी करके जगह जी, वो हम्पी जो है जहाँ पे अग्निवर्षा की शूटिंग की, वो एक जगह है जो रोमांटिक नहीं कहेंगे, वो एक स्पिरिचुअल जगह है, एक वो बहुत खूबसूरत जगह जो मुझे अच्छी लगती है, और एक राजस्थान। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगी तो राजस्थान में ही आके करूंगी, लेकिन जब भी राजस्थान के बारे में सोचती हूँ मेरी मेमोरीज बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत है, खो जाते हैं, यू नो आप ट्रैवल भी करो गाड़ी से तो आप बस बाहर देखते रहो, आप खो जाते हैं राजस्थान की डेप्थ जिसे कहते हैं, हिंदी शब्द में को नहीं आ रहा है समय, गहराई में, यू नो लिटरली, और जो वहाँ का म्यूजिक है, वहाँ का जो कलर है, वहाँ की जो एक हिस्ट्री है, एक अलग ही दुनिया है। दो, इसकी वजह से हम लोग नहीं गए राजस्थान, पर मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये ज़रूर सोचा था कि अगर यू नो शादी करेंगे, हम लोग को टिपिकल वो फिल्मी तमाशा वेडिंग नहीं चाहिए जो बॉम्बे में होता है कि 1000 लोग आ रहे हैं, आप स्टेज पे खड़े हुए हैं और आप खुद ही इंजॉय नहीं कर रहे अपनी शादी। हम चाहते थे कि हमारे थोड़े से क्लोज फ्रेंड्स फैमिली सब साथ में एक रूफ के नीचे रह के सब 3 दिन यू नो बॉम्बे से निकल के कहीं मस्ती करके साथ, एक बॉन्डिंग जिसे हो जाती है, सब साथ रहते हैं तो एक अलग ही एटमोसफेयर बन जाता है, सब साथ रह के मस्ती करके 3 दिन बाद हम लोग शादी वादी खत्म करके 3 दिन बाद वापस आ जाएं बॉम्बे, और दैट हॉलीडे वाज आवर गिफ्ट टू ऑल आवर फ्रेंड्स इन राजस्थान। तो वही किया, सबको बहुत मजा आया, सबको बहुत पसंद आया, और बहुत ही अच्छी तरह एक यू नो एक जैसे कि मैंने कहा तमाशा नहीं बनाना चाहते थे हम लोग, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने और टीवी ने और पूरी वेडिंग को इतना इम्पोर्टेंस दिया, वो मेरे लिए ऑनर ही हुआ, बल्कि मैं उनको आके मैंने थैंक यू ही बोला सबको कि मैं जानती नहीं थी मैं इतनी इम्पोर्टेंस हूँ, मुझे लग रहा था प्रिंसेस डायना के बाद मेरी शादी हो रही है मैं जानती नहीं थी मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, आप उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, ये एक प्राइवेट अफेयर है, एक फैमिली अफेयर है, हम लोग अपने में ही रखना चाहते हैं जी। तो ऐसे हुआ। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे।
और हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन। सुनिए आगे की बातें। शादी के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, इस बात पर कोई गीत सुनवाना चाहेंगे अपनी फैमिली लाइफ पर? मेरे हस्बैंड का एक फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ जी। वो झनकार बीट से है। वो तू ही तू है गाना है। हाँ, तू तू खुशी है। हाँ, तू खुशी है। के की आवाज है। तू है आसमां में, तेरी ये जमीन है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू है आसमां में, तेरी ये जमीन है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू ही दिल है, तू ही जान भी है, तू खुशी है, आसरा प्यार में ही ढूंढते
फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रवीना जी? फ्यूचर प्लान्स देखिए, अभी थोड़ा टाइम, जैसे कि मैंने कहा 17 साल बीत गए हैं मेहनत करते हुए, बहुत मेहनत की, इसलिए मैं अभी अपने ये टाइम पे काम नहीं करना चाहती। आई वांट टू बी स्ट्रेस फ्री। आगे का भी सोचा नहीं है, ऑफर्स तो अभी भी आते रहते हैं। मतलब परसों ही किसी ने पूछा तो तू कब वापस स्टार्ट कर रही है, मैंने कहा क्योंकि नहीं मैं आगे का प्लान कर रहा हूँ। एक डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया था, मेरे दोस्त ही है, मित्र ही है, मैं कहा तो मेरे को 6-8 महीने और दे दो, यू नो, तो एटलीस्ट फॉर अनदर 6-8 मंथ्स आई डोंट थिंक मैं काम शुरू करने वाली हूँ। रवीना जी, समाज के पिछड़े हुए तबके के लिए और कमजोर लोगों के लिए आपने आपकी काफी चिंताएं, काफी सरोकार रहे हैं, इसी तरह से पर्यावरण के लिए आपने काफी और जानवरों की भलाई के लिए आपने काफी काम किया है, तो इतने अपने काम, अपनी व्यस्तताओं के बीच किस तरह से आपने इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जिन पर दुनिया के बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते? आई फील के ऊपर वाले ने मुझे आज सब कुछ दिया है, भगवान की दया से आज सब कुछ है, खुशहाली है। तो मेरे ख्याल से हर सक्सेसफुल इंसान की एक ड्यूटी हो जाती है, एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि जितना उसने पाया है सोसाइटी से, हमने नाम, फेम, पैसा सब कुछ पाया है, तो हमारी ड्यूटी सोसाइटी की तरफ क्या हो जाती है? तो जहाँ भी थोड़ा भी मौका मिले, नॉट ओनली सक्सेसफुल पीपल, आई फील सब कोई कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एक 5 मिनट निकाल के, चाहे आप अपने ही घर के अंदर या घर के बाहर या घर के आजू बाजू, जैसे हम लोग ने यहाँ, अभी जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ लोखंडवाला में, हम लोग ने एक पूरा प्रोग्राम सफाई का पूरा शुरू करवाया था। बीच में इलीगल बिल्डर्स ने, ये जो CRZ जोन जिसे कहते हैं, कोस्टल जोन, जहाँ पे अलाउड नहीं है बिल्डिंग्स बनाना, वहाँ पे उन्होंने पूरा कचरा डालना शुरू कर दिया था, झाड़ियों को मारना शुरू कर दिया था कि वहाँ पे वो लोग जमीन बना के, और सारा इलीगल था। हम लोग ने पूरा क्लीनिंग प्रोग्राम किया, वो इलीगल काम रुकवाया, हम लोग ने मिलके, सिटीजन्स ने, ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने। तो मेरे ख्याल से ये सब में एक है, यू नो, एक बस आप अगर एक, जैसे कहते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप एक चाहें तो हो सकता है, एंड नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड यू हैव टू बी पावरफुल। ये तो मैं कहती हूँ कि चलो आई एम अ सेलिब्रिटी, मेरे पास है जरिए, एंड आई फील एवरीवन शुड डू इट, यू नो, 5 मिनट लगते हैं एक दिन में कुछ भी, बट यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू नो, आपको इतना फर्क नहीं पड़े, लेकिन जिसके लिए आपने किया उस इंसान को थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा उसकी जिंदगी में। तो एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग इट। और जब हम लोग सफाई कर रहे थे तो टीवी वाले काफी आके उन्होंने कवर किया, उन्होंने कहा आप क्यों कर रही हैं? मैं कहा अरे, अगर जो इंसान अपने घर के पीछे पहले सफाई नहीं कर सकता है तो आगे जाके क्या करेगा? तो अगर आप सब ऐसे ही धीरे धीरे एक एक कुछ काम चुन लें, जिसे आप अपना दिन का समय बस 5 मिनट ले लें, चाहे आप 5 मिनट ओल्ड होम चले जाएं, अगर आपने 2000 की सैलरी कमाई, 100 रुपये अलग रखिए, 100 रुपये की मिठाइयाँ जाके किसी ऑफनेज में दे दें, या किसी ओल्ड होम में चले जाएं और वो मिठाइयाँ और 5 मिनट उन लोगों के साथ बिता लें, आपको शायद इतनी ही फर्क नहीं पड़ेगा जितना उन लोगों को पड़ेगा। तो इट कैन, एनी वन कैन डू इट, यू नो, आई एम नॉट ओनली सेइंग के ओनली स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन और पॉलिटिशियन लोगों को करना चाहिए, नहीं, कोई भी आम इंसान कर सकता है, एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस टू दिस वर्ल्ड while you're living। Ravina ji, इसी बात पर कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
सीरियस रोल्स करने में आपको अच्छा लगता है या कॉमेडी आपको ज्यादा पसंद है? आई फील कॉमेडी में ज्यादा मेहनत होती है। एक इंसान को थिएटर में लाना और उसे अपनी पूरी जिंदगी के गम भुला के उसके लवों पर हंसी लाना एक एक्टर के लिए अचीवमेंट है। जी। रुलाना बहुत ही आसान है, आप अपने दुख रो के दूसरे को भी अपने दुख याद दिला के वो तो ऑटोमेटिकली इंसान रो देगा। लेकिन एंटरटेनमेंट सिनेमा जैसे कहते हैं कि आप 3 घंटे एक काले कमरे में बैठ जाओ, आगे पर्दे पे आपको जो दिख रहा है आप एक खुशहाल अच्छे मूड में वापस आओ, डिप्रेस होके नहीं आओ। तो आई फील कॉमेडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक तो गोविंदा जी के साथ काफ़ी कॉमेडी रोल्स किए हैं। आप लोग ने तो काफ़ी पिक्चरें देखी होंगी कि, लेकिन हाल में ज़्यादातर मेरी और गोविंदा जी की पिक्चरें बहुत देखी होंगी। कॉमेडी पिक्चरें मुझे करना बहुत पसंद है, लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। तो आशा करती हूँ आप लोग ने कभी, फॉर एग्जांपल आपने शायद बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी होगी, आपने दुल्हे राजा देखी होगी, आशा करती हूँ आप लोग को पिक्चरें अच्छी लगें। गोविंदा जी के साथ बहुत ही मज़ा आता है काम करने को, क्योंकि उनको भी म्यूज़िक और डांस का बहुत ही शौक है जैसे मुझे है, और गाने हमारे बहुत ही पॉपुलर होते हैं आप लोगों की वजह से भी, क्योंकि आप लोग सुनते भी हैं। तो जहाँ तक के हंसी मजाक की बात है, आप अगर ये पिक्चरें आप लोग को याद होंगी या आप लोग ने ये गाने देखे होंगे टीवी पर तो याद होगा, तो दिखता है कि गोविंदा जी और मैं बहुत ही मज़े से ये गाने कर रहे हैं। हम दोनों के चेहरे पे बहुत ही बड़ी बड़ी हंसी है और हम एक एक स्टेप जो है बहुत ही मस्ती में कर रहे हैं।
मेहनत तो हम सब आर्टिस्ट लोग करते ही हैं, इन गानों के पीछे मस्ती के अलावा मेहनत भी बहुत होती है। लेकिन हाँ, जब आप लोग खुश होते हैं और आप लोग ये गाने और पिक्चरें बार बार जाके देखते हैं, तो हम लोग को एक तसल्ली हो जाती है कि हमारी मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई, आप लोगों को पसंद आया। तो इसी मूड को रखते हुए, एक हंसी मजाक के मूड को रखते हुए, उसका एक गाना क्यों नहीं सुनाते हैं आप? जरूर। Yeah, yeah, yeah.
इस प्रोग्राम के जरिए तो आप लोगों को अपने फेवरेट स्टार या कलाकार या फनकारों से मिलने की तो या बातचीत करने के या सुनने के तो मौका मिल ही जाता है, लेकिन हम आर्टिस्ट लोगों को शायद कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है जो आप लोगों को मिलता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट कौन हैं। सब दुनिया में जानती हैं महमूद भाईजान, जो अनफॉर्चुनेटली अभी उनकी डेथ हो गई। उनकी जो भी पिक्चर देखती हूँ, जब भी मैं थोड़ी मायूस रहती हूँ या कभी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उनकी पिक्चर देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी जो सबसे फेवरेट गाना हो, क्योंकि मेरे तो सारे फेवरेट हैं, जो भी फेवरेट गाना हो वो हम आपको सुनाएं। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दिल तोड़िए घाता तंदाना, तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास ना आता ही तंदाना, जा मारिए बाता तंदाना, दिल तोड़िए घाता तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
ताली ताक झुमी ताक ताली ताक झुमी ताक झाला आंबो ताक झुकी ताक ताजी गेन ताक झुमी ताक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू तारी दाखो तारी गेटे ताली तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू तारी दाखो तारी गेटे झम तारी झग तारी ताक नाक नाक ताक झंड ताक झुमी ताक झंड ताक झम तारी झग तारी झाले झाले कोकू ताक झंड ताक झुमी ताक झंड ताक ताक झंग 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 काळे झग झंग झंग ताक झग झंग 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 पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है क्या हमें माना गरीब है तंदाना सूरज से अजीब है तंदाना पर फिर भी नसीब है तंदाना ये तेरे हरीब है तंदाना हमें माना गरीब है तंदाना सूरज से अजीब है तंदाना पर फिर भी नसीब है तंदाना ये तेरे हरीब है तंदाना हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। रवीना जी आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने सुनी जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। हमें उम्मीद है ये बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी और इस सिलसिले में हम आपकी चिट्ठियों का इंतजार करेंगे। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी और सुधाकर मटकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।